श्री आर के सिन्हा जी जो कि जो है संरक्षक है और इनसे जानते हैं, आज यहाँ पूरनपुर में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें शिरकत देने आए, जानते हैं इनसे कार्यक्रम के लिए और क्या काश तो बंधु को आशीर्वाद देने आए। ये हम लोगों का संगत पंगत का कार्यक्रम चलता है, बहुत ही सीधा सरल कार्यक्रम है। परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, चिंता करते हैं परिवार की, किसको क्या जरूरत है उसको मदद करते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई चंदा नहीं है, ये बस ऐसे ही चलता है। अच्छा, चित्रांत बंधु के लिए कोई संदेश देना चाहूँगा। हम लोगों ने आज से नहीं अनादि काल से शासकों का मार्गदर्शन किया है और राजगुरुओं के पद पे कह लीजिए, धर्मगुरुओं के पद पे कह लीजिए, आप दीवान के पद पे कह लीजिए, महामंत्री कह, हम रहे हैं। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मुर्जा राक्षस हो या शेरशाह के और अकबर के टाइम में राजा तुगलक हो, चाहे किसी भी सल्तनत में किसी भी कहीं पर भी, हमारे बिना न्याय और प्रशासन ये दो चीज़ों की कल्पना नहीं हो सकती है। अगर सही न्याय करना है तो आपको कायस्थों को ढूंढना पड़ेगा और अगर सही प्रशासन करना है तब भी आपको कायस्थों को ढूंढना पड़ेगा। चंद्रगुप्त से ने जब चाणक्य को कहा कि आप चलिए अब बैठिए सिंहासन पे, तो चाणक्य ने ही कहा कि मैं कुटिल ब्राह्मण हूँ, कूटनीति करके तुमको सिंहासन पे बैठा सकता हूँ, चला नहीं सकता हूँ। तब कहा कौन चलाएगा, कहा मुद्रा राक्षस ले आओ। उसने कहा कि उसके तो जिंदे मुर्दे को हमने 1000 स्वर्ण मुद्रा का इनाम घोषित किया हुआ है, वही तो नंदवंश का शासक था, उसी ने तो सारी परेशानी की। कहा जो भी किया तुम्हारा भी शासन वही चला सकता और कुछ चला नहीं सकता। इतिहास में दो ही ऐसे उदाहरण हैं जबकि कोई विक्टोरियस किंग जो होता है, विजयी राजा, वो पराजित राजे को महामंत्री रखता है। एक है जब नंदवंश परास्त हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के महामार्ग मुर्दा राक्षस को रखा जिन्होंने जिंदगी भर शासन किया। दूसरा जब हुमायूं पराजित हुआ सूरी से, हुमायूं के बेटे अकबर ने तुगलमल को बुलवा के और स्थान दिया, बुलवाया लेकिन वो गए नहीं, लेकिन वो नौरत्नों में थे और फाइनेंस और रेवेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी तो नाचने गाने वाले लोग थे, वहाँ मस्करे थे, लेकिन रियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम तुगलमल करते थे। लेकिन वो दरबार में नहीं बैठते थे, दिल्ली दरबार नहीं गए, साल में एक बार जाते थे, बैठते थे वो बनारस में अपना कोर्ट बनाया था। लेकिन भाई अगर सिन्हा साहब देखा जाता है कि जो भी राजनीति पार्टियां उन्होंने चित्रांशों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। नहीं नहीं दिया है, उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार तो हम हैं, वो जिम्मेवार नहीं है। हमारे साथ में कश्मीर से आए हुए सहाय साहब हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और वहाँ पर जो है सहाय साहब यहाँ बहुत दूर से आए हैं, जानते हैं यहाँ पे पंगत में भाग लेने आए हैं, क्या इनकी चित्रांशों के लिए राय है? अभी तो आपको सांसद बता रहे थे सिन्हा साहब की कायस्थों के बगैर शासन जो है पहले चलता नहीं था और हमारा अपनी बिरादरी से यही कहना होगा कि जो हमारी विरासत है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए और हमारा प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा में हम आगे बढ़े रहें और अधिक से अधिक प्रशासन में भाग लेने के किए प्रयास करें और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग इस मार्ग पर चलते रहें तो हमारा जो विरासत है जो हम प्रशासन में हमेशा रहे हैं वो आगे बना रहेगा। हमारे शास्त्रों को एक करने में उनकी वो रही है और आज भी वो मुहिम में डटे हुए हैं चित्रांशों को एक करने में।
पीलीभीत का कहा जाए चित्रांचलों के संरक्षक के रूप में भी लोग इन्हें जानते हैं। पीलीभीत में पूरे रोहिलगढ़ मैं सदैव से कायस परस रहा हूँ। अगर कोई एक अच्छा आधार स्तंभ नहीं मिल रहा था, मैं जब आदरणीय सिन्हा साहब जी के संपर्क में आया तो मुझे एक आशा जगी कि सिन्हा साहब जो हैं वो कायस्थों के लिए एक आकाश वो स्तंभ जिसे समुद्र के बीच में हम भटक रहे थे, पर तो हमारे लिए कोई मजबूत स्तंभ नहीं मिल रहा था। इनकी सोच संगत और पंगत के नाम से नो डोनेशन एंड नो मेंबरशिप फीस हमें बहुत पसंद आई। इन्होंने कहा जाने कितने के लिए इन्होंने कायस्थों की लड़कियों की शादी के लिए, जाने कितनों के लिए इन्होंने जो शिक्षा के लिए इन्होंने पैसे दिए। ऐसा व्यक्ति जो हमने इनका कायस्थ कुल शिरोमणि, मैंने जो यहाँ नाम दिया है ना कायस्थ कुल शिरोमणि, ये जयप्रकाश नारायण जी के साथ में रहे, आप जो थे क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी के साथ में और बंगारू लक्ष्मण जी के साथ में रहे, आप जो थे इस प्रकार का एक व्यक्तित्व हमारे कायस्थों के लिए प्राप्त हुआ, जिनकी सोच सदैव इनके लिए अपने पास कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा है, चित्रगुप्त जी की कृपा है, इनकी सोच है कि हमारे कायस्थ नौजवानों को काम मिले, रोजगार मिले, बढ़ करके इनके साथ मैं अभी गया था कार्यक्रम में तो विनय सक्सेना ये अफसर जो कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग कमीशन के चेयरमैन थे, वहाँ वो पूरे देश के अकेले खादी ग्रामोद्योग कमीशन के चेयरमैन आए साहब नौजवानों तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, मगर हम सेना साहब के निर्देशन में आपको रोजगार देंगे, आपको रोजगार की सहायता मुहैया करेंगे। हमारे पड़ोस के विधायक ये अरुण सक्सेना जी जो बरेली शहर से विधायक, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, इन अरुण सक्सेना जी भी वहाँ साथ में थे, इन्होंने भी वायदा किया है कि हम हर प्रकार से कायस्थों के चाहे कहीं के भी कायस्थों उसकी मदद करेंगे। मैं इस पूरनपुर की छोटी सी जगह है पूरनपुर दीपक भाई, बहुत छोटी सी जगह है और इस छोटी सी जगह पर इन्हें सेना साहब को हमारे जे जो कश्मीर में आए जी रहे हैं सहाय साहब राहुल सहाय और अरुण सक्सेना जी का इनका पूरनपुर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने हम छोटे से आदमी के लिए हमारे उसके लिए इन्होंने यहाँ आकर गौरवान्वित किया। मैं गौरव महसूस करता हूँ अपने बेटे रजत के लिए, रजत ने पूरा इसने कहा पापा इस कार्यक्रम को हम कराएंगे और अपने यहाँ के कायस्थों को एक साथ काम करेंगे। बेटे गौरव के को अपने रजत के लिए इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ कि दिन पर दिन इसकी सोच अच्छी बनी रहे और कायस्थों के लिए आगे बढ़े, हमेशा अच्छी सोच रहे। हमारे साथ में चित्रांश की दो शब्द अरुण जी से जानते हैं चित्रांशों के लिए क्या। देखिए हम आज आए हुए हैं संगत पंगत, संगत पंगत का काम ही है साथ बैठो और संगत, और जब संगत में बैठो तो अपने साथ के जो लोग हों उनको किसी को दिक्कत हो, कोई परेशानी में हो, किसी को बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत है, किसी की शादी में दिक्कत है, किसी को और परेशानी है, किसी को रोजगार में परेशानी, बीमारी की परेशानी, तो उसमें सहयोग करो बगैर राजनीतिक संगठन हमारे बीच साथ में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा पश्चिमी के महामंत्री, इनसे जानते हैं कि चित्रांशों के लिए क्या योजना है और एकत्र करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि चित्रांश आपस में बिखरे रहते हैं तो उनको एकत्र करने के लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं और इनके क्या क्या प्रोग्राम है। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मिथ्या बातें कही जाती हैं कि हमारा समाज बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में हमारा समाज आपस में बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा है और पूरी तरीके से संगठित है और हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इसका इस पूरे समाज को संगठित करने के लिए। जगह जगह हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो हमारा हमारे साथ जो राजनीतिक दल जो हमारे साथ जो भेदभाव का व्यवहार करते हैं, हमें ये मान के कि हम लोग संगठित नहीं हैं और ये मान के कि वो हमें किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम ये जो हमारे विरुद्ध जो विचार है ये हम उसके बताना चाहेंगे कि हम सभी लोग यहाँ पर संगठित हैं और ये कहना ठीक नहीं है और अपने समाज को संगठित करने के लिए हम पूरे प्रदेश में पूरे राष्ट्र में भ्रमण कर रहे हैं और घूम घूम के और बहुत से हमारे कार्यक्रम हैं जो कि हम अपने समाज के बीच में चला रहे हैं।
जैसा कि देखा जाता है कि कोई भी राजनीति दल हम चित्रांशों को विशेष अहमियत नहीं देते हैं। हाँ, इलेक्शन के समय पे जरूर जो है कि आके मीटिंग करेंगे और चित्रांशों की वोटों की अपेक्षा करते हैं, तो ऐसा हमारे साथ में दुर्भाग्य क्यों पार्टी? ये भ्रम है, पॉलिटिकल पार्टीज में भ्रम है कि हम लोग एकत्रित नहीं है, हम लोग संगठित नहीं है। उसकी वजह है उनको नज़र आता है क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ के लोग जो हैं नौकरी पैसा हैं और बहुत ज़्यादा राजनीति में समय नहीं दे पाते हैं। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, हमारा युवा समाज है, युवा वर्ग है हमारा, वो पूरी तरह जागरूक है और राजनीतिक दल में वो पूरी तरह जागरूक होकर काम कर रहा है और राजनीतिक रूप से पूरी तरह संगठित होकर काम कर रहा है। और अगले जो भी चुनाव आएंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि हमारा भाई समाज पूरी तरह संगठित है और नज़र आएगा, और ये जो राजनीतिक दल है उनकी समझ में आ जाएगा, तभी वो हमें वेट देने की वेट उनका मजबूरी होगी हमारा समाज को वेट देना, क्योंकि पूरे प्रदेश में पूरे राष्ट्र में लगभग 10% जनसंख्या हमारे समाज से है। और ये जैसे उत्तर प्रदेश को ही लिया जाए तो लगभग कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें काई समाज इतना है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा वो बदल सकती है, बाकी जो चुनावों के परिणाम है उनको बदल सकती है। ऐसी कि आप एडवोकेट भी हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे कि अब चित्रांश जो युवा हमारे आ रहे हैं वो कुछ एक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे इस बारे में? मैं थोड़ा पहले अपने परिचय देना चाहूँगा। मैं एक एडवोकेट भी हूँ और युवा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय काय समाज सभा भी हूँ, और युवाओं को यही आह्वान करना चाहूँगा कि युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए, हीन भावनाओं को मन में नहीं लाना चाहिए। हम लोग हर तरीके से परिपक्व हैं, सक्षम है। हमने प्रथम राष्ट्रपति अपने देश को दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री दिए थे, आज भी हम हर तरीके से सक्षम है राजनीति में दखल करने के लिए। बस हमको एक पर पार्टी पे एक धुरी पर खड़ा होना है। साई डिग्री कॉलेज के MD और ये संगत पंगत कार्यक्रम के आयोजक, आइए जानते हैं ये जो प्रोग्राम ये करा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य मात्र एक ही है कि हमारे जहाँ जहाँ कार्य बिखरे हुए हैं उनको एक छत्र के नीचे लाना, एक छत्र के नीचे लाके इकट्ठा करना, और ना चंदा, ना कोई किसी प्रकार का चंदा, ना किसी प्रकार के मेंबर साजी, जब एक परिवार के हैं, एक छत्र, एक मंचज हैं पिता के हम लोग, तो परिवार में ना किसी प्रकार चंदा होना चाहिए ना मेंबर साजी, सब एक साथ बैठे खाए पिए, एक दूसरे की समस्या जाने और एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करें। अच्छा, जैसे कि रजत जी आपने ये प्रोग्राम करा बहुत अच्छा, जबकि ये देखा गया है कि और बिरादरियों में ये प्रोग्राम होते हैं, ये पहला पूरनपुर में बहुत बढ़िया। आपके पिताजी भी हैं जो चित्रांश हैं, गोपाल सक्सेना, जो संरक्षक के रूप में मंडल में माने जाते हैं, लोग उन्हें अपना पिता भी मानते हैं, आप उन्हीं के पुत्र हैं, तो आपके दिमाग में ये विचार क्यों आया? मैंने उन्हीं से प्रेरणा ली, मेरे पिताजी श्री गोपाल सक्सेना, मेरे बाबा स्वर्गीय नारायण सक्सेना, इस क्षेत्र से बहुत मात्र कम यहाँ पे हम कैस्ट लोग हैं पूरनपुर में, उसके बाद भी बराबर से सेवा कर रहे हैं, हर उसकी हर जात की बगैर धर्म करे हुए, लेकिन एक अजीब सा प्यार है सेवा का भाव कि अपनी बिरादरी को हमें एक करना है, उन्हीं से हमने लिया। अच्छा, आप अपने जैसे युवा जो हैं, युवा चित्रांशों को कोई संदेश देना चाहें? हाँ, हमारे युवा चित्रांश भाई निराश ना हो, हताश ना हो, और ये जान लें कि अब वक्त बदल गया है, समय बदल गया है कि हम लोग एक हों, एक छत के नीचे आए, और बगैर कोई चंदे के, बगैर कोई मेंबर साजी के, सब कायस्थ भाई को एक करें। और जो सोचते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सक्षम हैं, सक्षम लोग हैं हमारे कायस्थ लोग, वो आगे बढ़ के आए, उनको रोजगार दें। अगर वो लोग हमारे युवा लोग रोजगार नहीं कर पा रहे तो वो लोग कोई धन अपना रोजगार कुछ करें, कुछ भी करें, लेकिन हताश ना हो। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उनके साधन बनाए जाएँ, उनके लिए व्यवस्था करी जाए, शिक्षा की व्यवस्था करी जाए, ये सब मिलकर के जो सक्षम लोग हैं वो समाज के उनकी व्यवस्था करें, ताकि जैसे के लिए हमारे फूफा जी ने बहुत सारे काम किए हैं। फूफा जी इस क्षेत्र से काफ़ी समय से विधायक भी रहे हैं और फूफा जी ने हर वर्ग के लिए काम तो किए ही है, चित्रांश लोगों के लिए अनेक तौर पर उन्होंने अपनी सेवा भाव दिया है। जैसे कि मेरे बड़े भाई गुड्डू भाई हैं, गुड्डू भाई ने सारा कुछ सीखा है फूफा जी से सीखा है, और उन्होंने जितना भी काम किया है इस क्षेत्र के लिए, गाइस के लिए तो कराई करा है, दिल से किया है, अपने कॉलेज में एडमिशन से लेके उनके वजीफे तक की जितनी भी सेवाएं करी हैं वो तो करी हैं, और नौकरी के अवसर भी प्रदान करें उनको दिल्ली में, लखनऊ में, और एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है हमारे गाइस्टों का जो हम लोगों ने बड़े भाई से प्रेरणा ली। बट जब मैं लखनऊ में पढ़ता था, मेरे बड़े भाई ने मुझे बड़ा गाइडेंस दिया,
कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो कायस्थों का एक ही मंत्र है, शिक्षा, शिक्षा लो और शिक्षा दो। जी भाई रजत जी, जैसे कि आप नोएडा से आए हैं और आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं जी, तो आप अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि हम लोगों में बिखरे हुए थे हम लोग, लेकिन अब जो समय बदल रहा है उस समय के हिसाब से हम सब एक हो रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मेरे बड़े भाई रजत सक्सेना है, गुड्डू भाई, जिन्होंने युवाओं को जोड़ा है, ऐसे युवा और आए। एक आज तो एक रजत है, मैं चाहता हूँ इस पूरनपुर से जनक कितने रजत निकले, कई चित्रांची निकले जो इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े और लोगों को जोड़ें। भाई ने इसके लिए दिन रात करा, कॉलेज की बिल्डिंग के लिए करा, इस पूरे पंडाल को भव्य करने के लिए, कई महासभा का जो सम्मेलन हो रहा है इसको सक्सेस करने के लिए भाई ने पूरे देश से, प्रांतों से कई लोगों को इकट्ठा करा। आज आप देख रहे होंगे इस तरह से भैया का जो प्रोग्राम है, और भैया ने शिक्षा के लिए खुद को शिक्षा ली ली, साथ साथ में कायस्थों के लिए शिक्षा प्रदान करी, क्योंकि कायस्थों का गुरु मंत्र शिक्षा ही है। और भैया के गाइडेंस में मैं भी आगे बढ़ाऊँ, और भाई से मैंने काफी कुछ सीखा है भाई से। और भाई थोड़ा सा आप अपने विचार दें। मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी हमारे कायस्थ युवा लोग हैं, वो अभी भी समय है, हमारे बुजुर्ग लोग या जो नौजवान लोग, जाग जाइए। हम लोग अपने दम पे, अपनी क्षमता पे, अपनी योग्यता पे, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी आरक्षण के, जहाँ भी है हम लोग कायम है, स्थित है। और इस चीज को जानते हुए हम उस चित्रगुप्त महाराज के पुत्र है, वंशज है, इस चीज को ध्यान रखे, खाली मूर्ति लगाने से, पूजा करने से नहीं चलेगा। अब हमको घर घर जाकर के, जो हमारे सिख परिवार जो सिख धर्म में होता है, कि जाके एक गरीब अपने कायस्थ परिवार को हम लोग मदद करें, उसके परिवार को गोद लें, उसकी सहायता करें, उसको पढ़ाएं, उसकी मेडिकल सहायता करें, उसकी शादी व्यवस्था करें, हर व्यवस्था जो सक्षम लोग हैं वो करें, ताकि हमारे कायस्थ परिवार आगे बढ़े। बढ़ना बहुत दिन दूर नहीं है, अगर हम लोग एक नहीं हुए, एक छत के नीचे नहीं आए, आपस में दूसरी टांग खींचते रहे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम डायनासोर की प्रजाति की तरह गायब हो जाएंगे। जय सैनिक।